Good morning, students. I am C.P. Yadav. I am going to discuss about prime number and composite number. Okay, so let's start. Prime number. Prime numbers. Okay. Prime numbers. If any number is divided by 1 or itself, then this type of numbers is called if. यहाँ पर आप देखेंगे this type of number is called prime numbers. फॉर एग्जाम्पल आप इसको दूसरे वे में आप ये भी बोल सकते हैं, दूसरे भी सेकंड डिफिनेशन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से. इफ एनी नंबर हैज नंबर्स हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. इफ एनी नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर. इसका मतलब है कि कोई भी आप नंबर लेंगे वो उसमें दो फैक्टर होंगे, वन और इट्सेल्फ, मतलब स्वयं नंबर होगा. या दूसरे तरीके से उसको आप ये भी बोल सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, टू, वन आर इट्सेल्फ. फॉर एग्जांपल टू का एक फैक्टर होगा टू, दूसरा फैक्टर होगा वन. आप यहाँ पे आप थ्री लिख सकते हैं, थ्री का एक फैक्टर होगा थ्री, दूसरा क्या होगा वन. नेक्स्ट फाइव का एक फैक्टर होगा क्या फाइव, दूसरा फैक्टर क्या होगा वन. सो टू थ्री एंड फाइव आर अ प्राइम नंबर्स. सो टू कामा थ्री कामा फाइव ईटीसी आर अ प्राइम नंबर्स. ओके नाउ आपने यहाँ पे देखा कि दो का टू के टू फैक्टर हैं, टू एंड वन. थ्री के कितने फैक्टर हैं, टू, थ्री एंड वन. फाइव के कितने फैक्टर हैं, फाइव एंड वन. सो टू कामा थ्री कामा फाइव ई टी सी आर प्राइम नंबर्स. ओके इस तरीके से सेवन भी हो सकता है, इलेवन भी हो सकता है, ठीक है. और नेक्स्ट स्टार्ट कंपोजिट नंबर्स. ओके कंपोजिट नंबर्स. अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स is called composite numbers. For example, four के आप देखेंगे तो four को four से भी डिवाइड कर सकते हैं, four को two से भी डिवाइड कर सकते हैं, और four को किससे one से भी डिवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब इसमें कितने फैक्टर हुए, three, मतलब two से अधिक है.
दूसरा आपने इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सिक्स आप ले लीजिए। तो सिक्स में आपने देखा सिक्स का सिक्स हो सकता है, सिक्स से सिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, थ्री भी इसका फैक्टर है, टू भी इसका फैक्टर है और वन भी इसका फैक्टर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने थर्ड दे दिया, यदि हम मान लीजिए नाइन लेते हैं तो नाइन को क्या, नाइन से नाइन डिवाइड कर सकते हो, थ्री से भी डिवाइड कर सकते हो, वन से भी डिवाइड कर सकते हो। सो फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व ये सब क्या हमारे कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर के इजी डिफिनेशन यही है कि अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, इसका फैक्टर्स इसका कंपोजिट नंबर। बट प्राइम नंबर में आपने देखा कि प्राइम नंबर में कोई भी नंबर होगा जिसमें वो वन आर इट सेल्फ से ही वो क्या होता है, डिवाइड होता है, फैक्टर्स उसके होते हैं, ठीक है। डिफरेंस दोनों में है, उसके टू फैक्टर होते हैं, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहेंगे कि किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर में या कंपोजिट फैक्टर में कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 42, अब इसको फैक्टराइज करना है बाय डिवीजन मेथड से। आप इसको देखेंगे टू टू से आप डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आएगा 21, फिर थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री सेवन जाए, फिर यहाँ पे सेवन से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा। तो इसका जो भी फैक्टर आया आप लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसका प्राइम, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आर 42। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये इसके प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसका 2 का 3 का और 7 का प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसलिए ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है, ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है और ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है। ओके, थैंक यू।